जय हिंद जवानों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत के पांच ऐसे सवाल जो अब एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। पांच उन शानदार क्वेश्चंस को यहां पर करने वाले हैं। सिंपली भाषा में बोला जाए तो जिस तरीके से मैंने आप सभी के दिल में पहचान बनाई है, उसी तरीके से प्रतिशत के पांच ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्होंने एग्जाम में पहचान बनाई है। तो पांचों के पांचों क्वेश्चंस देखना, क्योंकि ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। जो चीज मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूं कि पेपर का लेवल जो पिछले सालों में रहा था और इस बार सिर्फ एक ही फर्क रहता है, कैलकुलेशन का। तो इन क्वेश्चंस में वो चीज भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों पहले क्लास को देखिए, अच्छे से क्वेश्चंस को समझिए और समझ में आ जाए, ठीक है, दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। चुनाव से क्वेश्चन आता है, आप सभी को पता है कि एक चुनाव में तीन उम्मीदवार हैं। बस मैथ का एक ही रूल होता है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, आधा क्वेश्चंस वहीं पे सॉल्व हो जाता है। कि एक चुनाव में तीन उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। आपको यहां पर बता दिया गया कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, 36,000 है। पहला उम्मीदवार है उसको मिले 40, तो देखिए यहां पर जो पहला उम्मीदवार है उसको मिले कितने प्रतिशत, 40%। दूसरा जो उम्मीदवार है उसको मिले हैं कितने, 36%। और कुल कितने होते हैं, कुल होते हैं आपके कितने होते हैं, 100% होते हैं, ये बात आप सभी को पता है। कुल कितने होते हैं, 100% होते हैं। उसमें आपको अलग अलग बता दिया गया कि एक को मिले हैं 40, एक को मिले हैं 36। तो दोनों उम्मीदवारों को कितने मिल चुके हैं, 76% मत मिल चुके हैं, ये बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है। कुल है 100, कुल है 100%, 100% में 76% मिल चुके हैं, तो कितने प्रतिशत आपके बच गए। देखिए अगर 80 होते तो 20 और 4 24, तो कितने प्रतिशत, 24% मत बचे हुए हैं। क्या बोल सकते हो कि 24% वोट है वो बचे हुए हैं। ये किसको मिलेंगे, उम्मीदवार तीन थे, दो उम्मीदवारों को बता दिया, तो ये जो बचा हुआ है वो मिलेंगे किसके, तीसरे उम्मीदवार को ये मिलने वाले हैं। बात क्लियर होगी। अब क्या बोला गया उसको ध्यान से समझो कि कुल मत है 36,000, उसमें से तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। प्रतिशत तो हमने निकाल लिया कि 24% मिले हैं, लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछा, हमसे अंकों में पूछा है कि उसको कितने प्रतिशत मिले हैं, ठीक है। तो निकाल देंगे, कुल है 36,000, उसमें से 24% मिले हैं तीसरे को, तो 24% का हम यहां पर मान निकालेंगे। तो इससे ये कैंसिल हो गया आपका, इसको इसको गुना करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको इससे गुना करेंगे तो एक जीरो तो रहेगी और 6 चौके 24, 4 आएगा। किस में दिखाई दे रहा, बहुत सारों में है, तो इसका मतलब बहुत सारों में है, तो फिर तो क्या करना पड़ेगा, हमें गुना ही करना पड़ेगा। तो चलो गुना कर लेते हैं, किसको, 36 को 24 से गुना करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, पहले मैं इसको बता देता हूं कि जिस तरीके से सभी करते हैं, 6 चौके 24, 2 12 2 14 144, और 36 दूनी होता है 72, कितना आ गया, 4 6 8, 864 आ गया, ठीक है, 864 आ गया, और बाकी जीरो लगी हुई है और वो लग जाएगी, 8,640, 8,640 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, कुछ नहीं था, अगर आपने ध्यान से समझा होगा। फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। क्या बोला गया कि तीन उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 40% मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36%। देखिए मत और वोट दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो कुल मिल चुके हैं कितने, 76% मिल चुके हैं दो लोगों को। अब बचा हुआ है वो किसको मिलेंगे, तीसरे को मिलेंगे, तो तीसरे को मिला 24%। अब ये पूछा कि 24% तो मिल गए, लेकिन उसको मत कितने मिले, मतों की संख्या बतानी है। कुल मत आपको 36,000 दिए हुए थे और पता है कि तीसरे को 24% मिला है, तो इसका 24% निकाल देंगे। यहां पर घुमा के ये भी पूछा जा सकता है
कि पहले और तीसरे उम्मीदवार को, देखिए पेपर में क्वेश्चंस को कैसे हार्ड किया जाता है वो चीज मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि पहले और तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तो इसका है 24% और पहले का है 40%, तो कुल हो जाएगा कितना 64%। तो 36,000 का 64% का मान आपको निकालना होता। ये पूछा जाता कि दूसरे और तीसरे को कितने मिले, तो दूसरे का प्रतिशत और तीसरे का प्रतिशत हम जोड़ देते, फिर उसका मान निकाल देते। पेपर में सिर्फ इन्हीं चीजों को बदला जाता है, बाकी क्वेश्चंस वही होते हैं जो हम करवा रहे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी सी चीज अलग की जाती है। और पहले ये चीज मैं आपको बता देता हूं ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 8,640 क्या मिले उसको, वोट मिले, या बोल सकते हो उसको क्या मिले, मत मिले हैं, ठीक है। कन्फर्म हो गया सभी को, और ये गुना वाला तो आप कर सकते हो। आपको एक बात पता होती कि अगर ये 20 होता तो 720 हो जाता, तो यहां से आप 720 कर सकते थे। उसके बाद 36 को 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 144 कितना आ गया, 4, 6, 8, 864। ये होती है सॉर्टरी, क्या बोल सकते हो, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन ये क्या होगी, थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है कि बस पेपर तो वही आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल वही आ रहा है, बस कैलकुलेशन हार्ड कर रहा है, जिससे स्टूडेंट का समय लग रहा है, ठीक है। बस आपको समय लगने से बचाना है अपने आप को, किस तरीके से आप कर सकते हो कैलकुलेशन फर्स्ट। आगे वाला देखिए, दूसरा है टाइप नंबर 2 है, ठीक है, जो एग्जाम्स में रिपीट होता है कि 1975 में एक क्लर्क का वार्षिक वेतन 3,660 है, तो वह वेतन 1974 के वार्षिक वेतन से 20% अधिक था, तो 1974 में उसका वेतन कितना था। लैंग्वेज से स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ये तो पता नहीं क्या टाइप आ गई, ठीक है, ये तो बड़ा खतरनाक आ गया, ऐसा तो हमें नहीं आता, बिल्कुल ईजी है। जो चीज मैंने समझाई हुई थी ना कि अगर ऐड कर रहा होगा तो जोड़ देंगे, कम कर रहा होगा तो घटा देंगे 100 में से, वही चीज है यहां पे। क्या बोला, 1975 में वेतन दिया हुआ है कितना, इतना, और क्या बोला गया कि 1974 के वेतन से कितना है, 20% अधिक है। तो अगर हम माने कि 1974 में वेतन था 100%, 1975 में 20% ज्यादा हो गया तो कितना हो गया, 120% हो गया, ज्यादा है तो 100 में जोड़ते हैं तो 120% हो गया, बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या, अब 120 का मान आपको दिया हुआ है कि 1975 में उसका वेतन कितना आ गया था, 3,660, यानी कि 120% का मान आपको दिया हुआ है 3,660 रुपए, 1% का मान हो जाएगा इसके बटे में 120। मान किसका निकालना है कि 1974 में उसका वेतन कितना था, इसका मान निकालना है। 1974 में वेतन कितना था, 100%, तो क्या करना है, बस 100% का मान निकालना है, यहां पे आ गया 100। अब कुछ था इसमें, बस कैलकुलेशन थी और बाकी कुछ भी नहीं था, क्योंकि बोला गया कि 20% ज्यादा है तो ये 100 था तो ये अगले साल 120 हो गया, 120 का मान आपका दिया हुआ है और 100 का मान निकालना है, तो कैलकुलेशन करो, करते हैं। अगर 20 से काटे 6 पे और 20 से काटेंगे 5 पे, 20 की 120, 20 पंजे 100, 6 से काटेंगे 6 छंगे 36, 6 कम 6 और 0, बस इसको गुना कर दो, क्या जाएगा 0 और 5 और 30, 3,050 रुपए क्या हो जाएगा, वेतन आ जाएगा 3,050, किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। यहां पर देखिए कंफ्यूजन वाला है, 3,500, 3,500, ये सेम लगता है, अब तो नहीं लगता, मैं सच्चाई बता रहा हूं, अब तो नहीं लगता, अब तो सभी को यही आंसर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब पेपर का प्रेशर होता है ना तो ये भी आंसर लग जाता है, ये भी लग जाता है, और स्टूडेंट टिक करके आ जाता है, फिर सोचते हैं ये तो हमने सही किया था, सर गलत कैसे हो गया, ठीक है, ये तो सर ने समझाया भी था, हमें आता भी था, फिर भी गलत हो गया। भाई ये दिमाग का प्रेशर होता है ना पेपर वाला, उसमें तो पहले ही ये चीजें कन्फर्म कर देता हूं मैं कि आपको ध्यान रहे पेपर में कि ये गलतियां नहीं करनी, हमें सर ने बताया था कि यहां पर ये गलती होती है, तो बात समझ में आ गया। जो आंसर आए, जो बिल्कुल करेक्ट आए, वो ही हमें करना है, और बिल्कुल चेक करके पूरा सोल्व करने में आपने समय लगा दिया तो 2 सेकंड यहां पर भी लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वरना अगर गलत हो गया ना फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, तीसरे टाइप का जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है, एक मशीन का मूल्य 6,250 है, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है। ये जो शब्द आया है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, घटता है यानी कम हो रहा होता है। पहले स्टार्टिंग में वस्तु थी 6,250 की, कन्फर्म हो गया, उसके बाद पहले साल 10% घट गया, दूसरे साल 20% घट गया, तीसरे साल 30% घट गया,
तो 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य क्या होगा यह हमें बताना है। सिंपल है, टेंशन मतलब सिंपल बना देंगे कि 6,250 का था, इसके बाद पहले साल क्या हुआ 10% कम हुआ, 10% कम हुआ तो मतलब 100 से क्या हुआ 90 हो गया, क्योंकि कम को क्या करते थे हम 100 में से घटा देते हैं, तो क्या हो गया 90% हो गया, और प्रतिशत हमें हटाना है तो बटे में 100 करना पड़ेगा। आगे देखिए अगली साल है 20% कम, यानी कि 100 में से 20 कम कर दो तो 80%, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे गुना में, क्योंकि तीसरी साल दिया हुआ तो तीसरी साल का भी लिखेंगे, तीसरी साल 30% कम हो रहा है तो कम कर दो, कितना आ गया 70/100 आ गया, बस इसको सोल्व करेंगे हमारा मान निकल जाएगा। अब ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन देके स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन बिल्कुल इजी होता है, ठीक है, हार्ड नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है, बस थोड़ा सा अपनी स्पीड को इंप्रूव करना, अपनी कैलकुलेशन को जोड़ घटा गुना भाग को इंप्रूव करना, बाकी हो जाएगा। पहले देखे क्या है, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 2 0 यहां से, 2 0 यहां से, ये कैंसिल हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, अब हमारा ये बच गया और ये बच गया। दिमाग लगाओगे तो ये कितने पे कट सकता है, 25 का स्क्वायर होता है तो 25 से कट गया, ये 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, ये 4 पे कट जाएगा 25 चौके 100, अब 4 से काटेंगे तो 4 × 2 = 8, 25 × 2 = 50 और गुना में 9 × 7 = 63, गुना करिए तो कितना आ जाएगा 0 5 × 3 = 15 1 और 31, 3,150 रुपए, अब इसका मान बच जाएगा 3,150 रुपए, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को कन्फर्म हो गया ऑप्शन नंबर सी? अब देखिए कुछ नहीं करना, मैं सारी चीजें बता देता हूं जो एग्जाम्स में आता है, जिस तरीके से बदला जाता है क्वेश्चंस को, वो चीज मैं यहां पर आपकी कन्फर्म कर देता हूं। पहले ये चीज समझ में आ गई, बस काटना। देखिए 625 जिसको स्क्वायर याद होगा उसके दिमाग में आ गया होगा 625 है, वो 25 से कट जाएगा, ठीक है, तो काट देगा, जो स्क्वायर याद नहीं होगा तो तब प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमेशा बोलता हूं कि जोड़ घटा गुना सीख लो और स्क्वायर और क्यूब सीख लो, ठीक है, उनको याद कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका आंसर आ गया। अब पेपर में थोड़ा बदलाव क्या होगा, सिर्फ यहां पर चेंज किया जाएगा और इनकी संख्या चेंज कर दी जाएगी, 10-20 की जगह 20-30-40 दे देगा, 40-30-50 दे देगा, इस तरीके का होगा। लेकिन यहां पर एक बदलाव और होता है, वो भी आपको बता देता हूं। इसमें क्या दिया गया था कि पहले मूल्य दे दिया गया था कि पहले मूल्य क्या होगा और बराबर में हमें x का मान हमें निकालना था। ये मूल्य दे दिया गया था कि पहले मूल्य था 6,250 रुपए और अंतिम मूल्य पूछा था घटने के बाद। लेकिन पेपर में कभी क्या चीज होगी कि यहां पर जो घटने के बाद मूल्य होगा ना वो आपको दे दिया जाएगा और स्टार्टिंग वाला मूल्य आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर x का यूज करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी, और यहां पर जो बराबर में x है इसके स्थान पर जो वैल्यू दी हुई होगी उसका यूज करेंगे, और बाकी तो आपको क्या करना है, काटना पीटना है, आपका आंसर निकल जाएगा, बाकी कुछ भी बदलाव नहीं होता। समझ में आ गया, ठीक है, तो ये टाइप है, वो भी बार बार एग्जाम्स में आती है। स्टार्टिंग में बता देता हूं 1 दिसंबर से बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए शुरू हो रही होंगी, जिसमें बहुत सारे फ्री चीजें भी आ रही होंगी, कुछ आप सभी की डिमांड के ऊपर पेड कोर्स भी आ रहा होगा, लेकिन फ्री में बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो चीज है। 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे, अनाउंसमेंट तो 1-2 दिन में हो रही होगी, लेकिन 1 तारीख से वो शुरू हो रही होगी। तो अभी और क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी हमारा चौथी टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं, टाइप नंबर 4। और देखिए क्या है, बस पढ़ने से, हमेशा एक बात बोलता हूं चैंपियंस कि पढ़ने से आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता, तो ध्यान से पढ़ो। क्या है कि एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, तो मान लेते हैं प्रतिशत कम हो रही है, तो पहले संख्या 100 थी, 100% थी, फिर क्या हुआ 20% कम कर दी गई, तो 20 कम कर दिया, अब हो गई 80%, कन्फर्म हो गया। आगे देखिए क्या है, फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, ये कम की गई संख्या है इसको 20% बढ़ाएंगे, तो इसका 20% कितना होता है 16, 80 का 20% कितना हो जाएगा 16, यहां पर कर सकते हो। देखिए मुझे तो पता है, जो चैंपियंस होंगे उनको भी पता होगा, 8 × 2 = 16, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाती है, 16 बढ़ा दिया गया तो 80 में 16 जोड़ेंगे तो 96 आ गया, या 96% आप बोल सकते हो। आगे देखिए क्या है, तो इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। अब क्या है, जो प्राप्त संख्या है, ये वाली संख्या है आरंभिक संख्या, आरंभिक संख्या ये थी, इससे 20 कम है, प्रतिशत में देखेंगे तो 4% कम है,
4% कम है और वैसे कितना बोल दिया गया कि 20 कम है, तो 4% बराबर कितनी हो गई 20 हो गई, 1% बराबर क्या हो गई 5 हो गई। समझ में आ गया, 1% का मान क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया है। आगे देखें क्या है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें यानी स्टार्टिंग की या जो शुरुआती संख्या है वो क्या होगी वो हमें बताना है। तो शुरुआती संख्या का मान कितना है 100%, 1% का मान हमें पता है कि वो 5 होता है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा उसको 100 से गुना करना है, तो 5 को 100 से अगर हम गुना करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 500 बन जाएगा। क्या ये बात कंफर्म होगी सभी को? पहले बोला कि इस किसी संख्या में 20% कम किया गया तो फिर 80 हो गया, फिर 20% बढ़ाया गया वो 96 हो गया। बोला गया कि आरंभिक संख्या से प्राप्त संख्या कितनी कम है 20 कम है, प्रतिशत में 4 कम वैसे 20 कम, तो 4% बराबर 20, 1 बराबर 5। हमसे पूछा प्रारंभिक संख्या का मान क्या होगा, तो प्रारंभिक संख्या का मान है 100%, तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर 500 हो रहा होगा। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। अगली टाइप पे चलते हैं, जो पांचवी टाइप है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, टेंशन मत लेना, अगला क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के बाद हो जाएगा, वो आपसे पूछने वाला हूं। देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना, एग्जाम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जान बना हुआ है क्वेश्चन, जिस तरीके से आप सभी मेरी जान बने हुए हो ना उस तरीके से ये भी जो पेपर की जान बना हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला गया 75% भाग खर्च कर देता है, तो यहां पर क्या होगी किसी व्यक्ति की आय होगी, उसके बाद यहां पर उसका खर्चा लिखेंगे हम, उसके बाद उसकी यहां पर बचत लिखेंगे। तो क्या बोला, आय का 75% खर्च कर देता है, तो मान लेते हैं 100% उसकी आय है, उसका 75% वो खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना 25। आपको बोल दिया गया कि 100 रुपए है उसमें से 75 रुपए खर्च कर दिए तो बचाओगे कितने 25 रुपए बचाओगे, तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखें क्या है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय 20% बढ़ गई तो 100 से क्या हो जाएगी सॉरी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, खर्च भी है वो 10% बढ़ जाता है। अब जो खर्चा है ना वो 10% बढ़ गया, 75 था पहले, अब 10% बढ़ गया तो यानी 7.5, क्योंकि 75 का 10% क्या होता है 7.5 होता है, तो 7.5 अगर ये बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 82.5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 82.5 खर्चा हो गया, ये है आय ये है खर्चा, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत यहां से करेंगे अगर मान लेते हैं 80 होता तो 40 ढाई कम कर दो 40 में से 37.5 इसकी बचत हो रही है, ठीक है। ये अब बोला क्या गया, जो पूछा उसको देखते हैं, बताइए कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत पहले 25 की थी अब 37.5 की हो रही है, कितना बड़ा है 12.5 बड़ा है, किसका 25 का और गुना में 100, ठीक है। तो 25 चौके 100 हो जाएगा आपका, और 4 को इससे गुना करोगे 12 चौके 48, 5 चौके 20 कितना आ गया 50% आ जाएगा, ठीक है। या इसको दशमलव हटा के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 50% आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझाता हूं, टेंशन मत लेना, जब तक समझ में नहीं आएगा हम छोड़ने वाले नहीं है, पहले समझो ध्यान से। बोला गया कि उसकी आय है उसमें से 75% वो खर्चा कर देता है, तो 100 आय थी उसमें से 75% खर्चा कर दिया तो 25% उसका बच गया। अब बोला गया कि आय है वो 20% बढ़ गई तो 100 से क्या होगी 120 हो गई, और जो खर्चा है वो भी 10% बढ़ गया तो 75 से 82.5 हो गया, तो 120 कमाता है 82.5 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 37.5। अब पूछा है बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई, देखेंगे तो 25 से 37.5 हो गया मतलब 12.5, तो 25 का आधा होता है ना 12.5, दिमाग कॉमन सेंस यूज करना कि 25 का आधा होता है 12.5, तो कितना हो जाएगा आधा कितना होता है 50% ही तो होता है, तो 50% बराबर होता तो 100%, ठीक है। तीसरा हिस्सा होता था 33 सही 1/3%, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50% कंफर्म हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कि एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, यदि गांव में कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं और इतने इजी क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं कर पाए तो फिर पिटाई हो जाएगी।
ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और जो भी चैनल पे नया है जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सभी को बेस्ट ऑफ।